मीडिया में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खान साहब ने आपको बुलाया और कुछ और लोगों को बुलाया, क्या आपकी पहले से दोस्ती है या पहली दफा आपकी मुलाकात हुई खान साहब से? पहली दफा मुलाकात हुई, कोई दोस्ती भी नहीं। तब शुरू से ही खान साहब को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। मैं एक पक्का पीपल्स पार्टी का आदमी था किसी जमाने में। अच्छा। भुट्टो का डाई हार्ड फैन। अच्छा। मैं शख्सियत प्रस्त आदमी नहीं। मैंने 35 सालों में इन दोनों को बारी बारी वोट डाले। अच्छा। फिर जो इन्होंने हशर किया मेरे मुल्क का, उसके बाद मेरे पास एक नया च्वाइस आया था। उसके पीछे एक ट्रैक रिकॉर्ड था उसकी क्रिकेट का। सो चीजें नजर आ रही थी कि व्हेन ही थिंक्स ही गोज एंड ही डिलीवर्स, आई वोटेड फॉर हिम। आई नेवर थॉट ऑफ मीटिंग हिम। मैं नहीं मिलता किसी से भी, वो भी बड़ा आदमी है, हम भी छोटे आदमी नहीं है। लेकिन वो रचाओ आया है जिसमें वी कुड अंडरस्टैंड ईच अदर। वन डे ही माइट हैव बीन टोल्ड एंड ही गॉट इट बिकॉज़ व्हेन ही शुक हैंड विद मी, बट वहां तक पहुंचने का एक वक्त था जो तय हुआ। ही वॉज द मैन हु वॉज होप फॉर द कंट्री। द मोमेंट इट This hope was going to be materialized. It is destroyed. So, but, were you happy with his performance? Jitna bhi unhone delivered kiya, jo kuch bhi. Jis tarah ka mulk usko dekar gaye the. Ji. Wo to 3 mahine nahi chal sakta tha. Main ek banker hoon by profession. Ek economics ka ek student hoon. I know jis kisam ka mulk usko dekar gaye the, wo to 2 mahine ka 1.5 mahina nahi chal sakta tha. Wo 3.5 saal chala gaya aur successfully chala gaya. Ji. Maine apni zindagi mein sirf itna samay le diya jo sun rahe hain. Ji. मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान का करंट अकाउंट पॉजिटिव नहीं देखा। दिस वॉज फर्स्ट एवर टाइम इन माई लाइफ कि आपका करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव था। एंड और वो रीढ़ की हड्डी होता है एक मुल्क की। बिल्कुल। डॉक्टर अनीजा जी, बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर करो। मुझे बताओ बचपन में किस बात पे मार पड़ती थी अम्मा अब्बा से? बहन भाइयों से सबसे ज्यादा लड़ाई करने पे, बहनों के साथ लड़ाई करने आप पे। तो बिल्कुल लड़ाका नहीं लगती हो भाई। अच्छा, तो ज्यादा बचपन में लड़ती किस बात पे थी बहन भाइयों से? वैसे किसी भी बात पे लड़ाई हो जाती थी, टीवी के रिमोट से, एसी के रिमोट से, मामा पे, पापा पे, किसी भी बात पे लड़ाई जो मेरा बर्गर किने काट के खाता है। बचपन में लड़ाइयां मासूम लड़ाइयां होती हैं। डिंकी तो लड़ाई हो गई, ये पंखा किसने तेज कर दिया, मैं अम्मी के साथ सोऊंगी, ये हुई गल्ला। बाबा तेरा बचपन देखो 150-200 साल हो गए, लंघ गया मेरे ख्याल की याद करो आज तक लंबी गल है। पापा ना याद कर तेरी मेहरबानी। हाजिर हैं ब्रेक के बाद डॉक्टर अनीजा और खलील साहब से, जहां से हमने गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। खलील साहब, आपकी क्या जाती राय है, खान साहब जो अपना केस बना रहे हैं क्या उसमें कोई वजन है, और हमारे जो अवाम है क्या उस बात को बाय करेंगे? वो नहीं बना रहा, वो इन्होंने बना के दे दिए उसको। और अलग मेहरबानी उसके साथ है। याद रखिएगा, सच्चे आदमी के लिए थोड़े दिन की तकलीफ होती है। He comes back and he conquers. वो उसको आता है। You're super sure he's gonna come back. Inshallah he'll come back. Otherwise, मैं डरता हूँ इस मुल्क की एग्जिस्टेंस के बारे में डरता हूँ। चोरों के साथ आप कब कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं इस मुल्क को? वो तो बाहर उनके बच्चे हैं, हुकूमत करने यहाँ आते हैं, वो वहाँ के नेशनल हैं। उनको आप बाहर नहीं डरते। खान साहब के बाई डिफॉल्ट बाहर है क्योंकि उसकी बीवी बाहर है और वो वहाँ की इंग्लैंड की। तो यहाँ पे भी तो हो सकते थे। देखिए, सबसे अच्छा काम है कि बीवी से आप बच्चे नहीं छीन सकते। बिल्कुल ना छीने आप ये चीज अंडरस्टैंड। इंस्टेड के आप इस बात को इस तरह लें, आप ये देखिए कि वो बच्चों के बगैर रहा है, अपनी माँ से बच्चे जुदा नहीं होने दिए उसने। इस बात को अप्रिशिएट कीजिए। आपके बच्चे भी बाहर है, मांग के आ भी चुके, आपकी बेगम कह रही है होर मांग के ले आओ। जेड़े माँ तो बगैर बच्चे पलते ने ना, फिर कोई पीने होंगे ने, कोई गंजे होंगे ने, बच्चिया उन्होंने पॉइंटर पढ़ती हैं या फिर ऑरेंज शर्टा पा के बह जाते हैं। डॉक्टर अनीजा जी, मुझे ये बताएं कि पहली बार मोहब्बत कब हुई, किससे हुई मोहब्बत? किसे कुड़ी ने नहीं मनना। आज बता दो, आज सच बता दो कि पहली बार तोड़ दे। रिकॉर्ड तोड़ दे आज। सर वैसे एक मेरा जानने वाले ने, जब मैंने पता लगा कि मैं आपके साथ शो पे आ रही हूँ, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि खोई हुई मोहब्बत को वापस लाने का कोई तरीका पहले है? तो अपनी मोहब्बत दस रुपए खोई हुई है। वो जो मोहब्बत खो जाती है ना जी, वो क्या, एक मेरे पास तुम हो का ड्रामा था जी, कि जिसको
पिछली मोहब्बत कहना पड़े वो पिछली बार भी मोहब्बत नहीं थी। आए। आए। क्या बात है, क्या तो डॉक्टर साहिबा फिर आज रिकॉर्ड तोड़ दें और बता ही दें कि किससे मोहब्बत हुई पहली बार, कहाँ मोहब्बत हुई, हॉस्पिटल में हुई? नहीं नहीं बता क्यों नहीं रही, क्या आजकल उसके तीन चार बच्चे हैं? नहीं नहीं हम इतने बुजुर्ग नहीं हैं, हम तो अभी की जनरेशन है। हर गल अपने दौर दी समझ लो। चलो कोई कभी मोहब्बत हुई है ये बता दो, ये ना बताओ कि किससे हुई, हुई है हुई है तो वो मिल गई है या अभी प्रोसेस में है या नहीं मिले? नहीं मिली, दिल टूटा हुआ है। नहीं टूटा भी नहीं हुआ लेकिन मोहब्बत भी नहीं हुई। ये अच्छी बात है, टूटा नहीं हुआ। सो यू हैव मूव्ड ऑन। या खलील साहब व्हाट्स योर टेक मोहब्बत पे, क्या कहेंगे आप? जो जो छोड़ कर चले जाते हैं ना वो सस्ते लोग होते हैं, और सस्ते लोगों के लिए महंगे आंसू नहीं बहाया करते। अरे वाह वाह। असल में पता क्या है जी, औरत इतनी बड़ी है अपने कद में और अपने पैकर में, उसकी कीमत कोई नहीं, और जब वो बिक जाती है खुदा की कसम उसकी टके की कीमत भी नहीं। वेरी डीप, ये समझने वाली बातें आप लोगों का। खिलाफ समझो नहीं, वो तो इतनी बिल्कुल खिलाफ नहीं कर रहे, आई थिंक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मेरे हां की अच्छी औरत ही तो मेरा माशरा चला रही है, और वो मेरा और आपका प्राइड है। बिल्कुल सही बात। को हयादार लड़की नजर आए आंखें झुकाइए, इस तरह इज्जत कीजिए जैसे अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं। डॉक्टर नीजा जी मुझे ये बताओ कि आपके होने वाले उन्हों में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तीन क्वालिटीज जिसका होना बहुत जरूरी है। हैंडसम हो। अच्छा हैंडसम हो बहुत ज्यादा। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। अच्छा विटी भी हो, ठीक है। और फाइनेंशियली स्टेबल हो। सामना तो मेरी बीवी में ना कभी भी आना कर दी। देखो मैं आपको बताऊं, ये मैटर करता है कि जिस मर्द से आप शादी करती हैं उसके अंदर मर्द हो। प्यारे अफजल में मेरा एक डायलॉग था कि मर्दों में मर्द के बच्चे को ढूंढना बिल्कुल ऐसे है जैसे तरबूजों के ढेर में से उस तरबूज को ढूंढ लेना जो अंदर से लाल हो। अरे वो जब अंदर से लाल होता है ना, वो जब मर्द होता है फिर आपके लिए सब कुछ ले आता है वो। सही बात। अरे वाह खूबसूरत बात। कुड़िए खलील साहब इस गल नु समझा के लाल दवाना ते अच्छा खामद इस माशरे च लबना बड़ी मुश्किल गल है। मैं गल्ला करन रहे हैं, ओए कह रहे ने कि लाल दवाना ते फीना खामद बड़ी मुश्किल लबदा है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਤੁਆਣਾ ਤੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਖਾਵਨ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁੜਮ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਜ਼ਾ ਆਪ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਮਰਦ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸਕੀ ਕਿਆ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਰਦ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਢੂੰਡੇ? ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਪਕੋ ਅੱਛਾ ਮਰਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, बड़े आराम से मिल जाता। खलील साहब वैसे मर्दों के हजूम में मर्द का बच्चा तलाश कैसे करें, क्या टिप्स देंगे आप हमें? मैं आपको बता देता हूँ जी, जिस मर्द को औरत की कमाई खाने का शौक हो वो प्राइमर फिसाई मर्द नहीं होता। ठीक है।